हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे आर एस अग्रवाल बुक से रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट सेकंड। कल हमने पार्ट फर्स्ट डाला था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और आज करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशो वी 1:2:3:8। अब हमसे पूछ रहा है ये ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ए बी सी डी का रेशो पूछ रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले तो इनको ये बटे में लिख रहे हैं, ए रेशो बी 1:2 लिखा हुआ है, अनुपात 3:8। तो अब इसको हम सिंपल लिखेंगे, बटे से हटाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। तो अब इस 4 को इस 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:3। तो ए अनुपात बी कितना हो गया, 4:3। तो अब ऐसे ही बी सी को निकाल लेंगे, बी सी में करेंगे तो कैसे, तो बी सी का आप निकालेंगे तो बी सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3:5:9 दिया हुआ है, तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो इसका तो बी सी का अनुपात हो जाएगा 3:5। अब सी डी का निकालेंगे, सी डी का दिया हुआ है, सी डी का दिया हुआ है अनुपात 5:6 और 3:4। तो अब इसको काट देंगे 2 से, तो 3 बार गया, इसको 2 से काटेंगे तो 2 बार गया। अब ये इसका अनुपात हो जाएगा 10:9, ये सी डी का आ गया। पहले इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया, 120 अनुपात। अब इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 10 यानी कि 90। सेकंड स्टेप में इन तीनों संख्याओं का करेंगे यानी 3 5 10 150। अब इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 135। तो अब इनको काट लेंगे अगर किसी संख्या से कट रहा है तो ये 15 से कट रहे हैं, 15 से 120 को काटेंगे तो कितना आएगा, 8। 15 से 90 काटेंगे तो 6, और ये 10, और ये 9, यानी 8:6:10:9। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ क्वेश्चन में तो ए की जगह रख देंगे 2 और बी की जगह रख देंगे 3 रेशो। अब बी की जगह 3 और सी की जगह 4 रेशो, सी की जगह 4 और ए की जगह 2। अब हमको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्याएं हैं उनका एलसीएम लेना है। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है इन तीनों संख्याओं में। जब 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों संख्याओं में तो कितना हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 4, और 4 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये 6 टाइम। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हुआ है, तो 2 का 4 में तो 8, और 3 का 3 में 9, और 6 का 4 में 24। यानी आंसर क्या हुआ, 8 9 24, 8 9 24 ऑप्शन
सी। क्वेश्चन दिया हुआ है 2a = 3b = 4c। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई है 2, 2, 3, 4, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा 12। अब हमको करना क्या है, अब इस संख्या को 12 बनाने के लिए क्या करें, हम एक ही जगह क्या रख सकते हैं, तो एक ही जगह हम रख सकते हैं 6, और बी की जगह क्या रख सकते हैं 4, और सी की जगह क्या रख सकते हैं 3। तो यही हमारा इशू आ जाएगा, 6, 4, 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है a = v/3। अब इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, रेशो का मतलब होता है जैसे ए रेशो बी दिया हुआ है, तो इसको हम a/b लिख सकते हैं। रेशो का मतलब बट्टा होता है, ए रेशो बी निकालेंगे तो ए रेशो बी क्या हो जाएगा, बी इधर इधर आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा बी, तो a/b = 1/3। तो अब ए रेशो बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:3। तो ए रेशो बी निकाल लिया, अब ऐसे ही बी रेशो सी निकालेंगे, तो v = c/2 दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा v:c = 1:2। अब ये बी सी का आ गया। अब ए बी सी का रेशो पूछ रहा है, तो हमने पहले ही किया था फर्स्ट क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, तो ए बी कितना दिया हुआ 1:1:3, और बी सी कितना दिया हुआ 1:3, यानी बी इसमें 1 है और सी 2 है, तो अब इस 1 को हमको 3 बनाना होगा, तो क्या करेंगे, 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए तो 1 है और रेशो बी हो जाएगा क्या, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो 3b। अब सी की जगह कितना आ जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में भी करेंगे, तो कितना हो गया 6, तो 1:3:6, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए का 15%, तो का की जगह गुणा लगा सकते हैं हम, और 15% यूँ लिख लेंगे, बराबर बी का, यानी कि बी गुणा 20%, और ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और इन दोनों को काट लेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 3 बार और 5 से ये 4 बार, तो क्या क्या आ गया, a/3 = b/4। तो अब क्या करेंगे, a/b हो जाएगा, a/b हो जाएगा 4:3, 4:3, 4:3 कैसे आया, ये जो v है ये इसके नीचे आ जाएगा a के, और 3, 4 के नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ करते हैं a/b = क्या हो जाएगा 4:3, और यहाँ से आप इनको रेशो में लिख लेंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 a = 0.09 v। अब ए रेशो बी पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, a/b = ये इधर चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 0.9 के नीचे 0.6, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 संख्या पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, इसको काट देंगे 3 से,
तो कितना हो जाए 3 और ये 20, तो ए रेशो भी क्या हो गया, ए रेशो भी आ गया आपका 3:20। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये आज हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो और भी क्वेश्चन आगे आएंगे। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।